अभी इंडिया और चाइना के बीच जो भी हालात हैं उसे देखकर इंडिया में क्या चल रहा है, यूनि इंस्टॉल यानी कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने भी जो 52 एप्लीकेशन की लिस्ट दी है बोल दिया है ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, यानी कि आपका डाटा इन एप्लीकेशन से चाइना तक जा सकता है, तो आप इन एप्लीकेशन को यूनिंस्टॉल कर दीजिए। वो जो 52 एप्लीकेशन की लिस्ट है तो वो एप्लीकेशन यूनिंस्टॉल कर दिए जाएंगे, ठीक है। बट कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो चाइना के नए हैं और लोग उनको चाइना के बता रहे हैं या चाइना की हैं, आपको उनमें कन्फ्यूज़न है कि भाई ये चाइना की एप्लीकेशन है कि नहीं है और आप उसे यूनिंस्टॉल करें या नहीं करें, आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है। तो इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जहाँ पर बात करते हैं पबजी मोबाइल गेम की, जो पबजी लवर्स हैं वो अब ये सोच रहे हैं कि पबजी मोबाइल जो गेम है वो चाइना का है या किसी अदर कंट्री का है, हम इसे यूनिंस्टॉल करें या ना करें। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये पबजी मोबाइल गेम चाइना का है या नहीं है, बिल्कुल प्रूफ के साथ, ठीक है। तो करना क्या, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यह चैनल को बिना सब्सक्राइब करके मत जाइएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली न्यू वीडियो से मिस ना पाए। गाइस मेरा नाम सुख और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे ही आप अपना गेम प्ले करते हो तो यहाँ पर टेसेंट गेम्स कंपनी का नाम लिख रहता है जो एक चाइनीज़ कंपनी है, ठीक है। मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा गूगल में और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ टेसेंट गेम्स, ठीक है, इतना लिखने के बाद अगर आप सर्च करते हो तो यहाँ पर टेसेंट विकीपीडिया पर आपको जाना। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ये टेसेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। नीचे जाता हूँ तो इसका हेडक्वार्टर जो है चाइना में है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर वीडियो छोड़कर नहीं जाना और पबजी अनइंस्टॉल नहीं कर देना है, ठीक है। पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आप पबजी प्ले करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है पबजी कॉरपोरेशन कार्फटन गेम यूनियन, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये जो कार्फरेशन गेम यूनियन है ये कहाँ की कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं गूगल में और यहाँ बैक आ जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कार्फटन गेम यूनियन, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए इसे सर्च कर लेते हैं, विकीपीडिया इसकी देखते हैं, तो अभी देखिए ये आ गया, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए इसका हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया में, यानी कि जब ये गेम बना था सबसे पहले ये गेम बना था साउथ कोरिया में, ठीक है। साउथ कोरिया में ये पीसी लैपटॉप कंप्यूटर्स के लिए गेम बना, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा, ये गेम बहुत ज़्यादा वहाँ पर चला, तो वहाँ की जो कंपनी थी क्राफ्टन गेम यूनियन, ठीक है, इसने सोचा कि ये गेम जो है दूसरे कंट्री में भी चलाया जाए, तो उसने इसे चाइना में चलाने का सोचा। तो चाइना में चलाने के लिए इसको हेल्प लेने पड़ी वहाँ की जो गेम कंपनी लॉन्च करती है टेसेंट गेम कंपनी की, ठीक है। तो गाइस चाइना की टेसेंट गेम कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर ये कोरिया में पबजी जो गेम था वो चल रहा था पीसी कंप्यूटर लैपटॉप में, उसने इसे यहाँ अपने चाइना में लॉन्च किया मोबाइल के लिए, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया और मोबाइल के लिए इसे बना के इसे मोबाइल में लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये चाइना में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इस टाइम ये चाइना में बैन है क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट कहती है कि इससे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या इससे यूथ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। बट चाइना में लॉन्च होने के बाद वहाँ पर तो ये बैन हो गया, बट अदर कंट्रीज़ में ये अभी भी चल रहा है, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया और कोरियन आसपास के सारी कंट्रीज़ में ये गेम बहुत ही आसानी से चल रहा है। तो 100% ये गेम जो है चाइनीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप इस गेम के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करते तो कुछ यानी कि 10% चाइना की टेसेंट कंपनी को जाता है। गाइस करना क्या है, बस आप गेम को इन्जॉय कीजिए। वहाँ पर आप अगर पबजी मोबाइल के अंदर अपना इन्वेस्ट करते हो तो ये अच्छी बात नहीं है, आप इन्वेस्ट मत कीजिए। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली न्यू वीडियो से मिस ना पाए। गाइस यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।